गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन। ये है एंट्रेंस गेट कामाख्या मंदिर का। ये दुकानें देखिए, यहाँ पर पूजा के लिए सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे चुंदरी, प्रसाद, फूल आदि चीजें ले सकते हैं। कामाख्या मंदिर भारत के उन मंदिरों में से एक है जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पूरा का पूरा गुवाहाटी शहर पहाड़ पर बसा है। कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत के सबसे टॉप पर स्थित है। शक्ति पुराण के हिसाब से 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार महादेव के पहली पत्नी सती के मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर शिव जी पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगे। शिव जी दुख और शोक में तांडव करने लगे, जिससे धरती पर प्रलय की स्थिति आ जाती है। इसी प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के 51 टुकड़े कर देते हैं। इन्हीं 51 टुकड़ों से 51 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। कामाख्या मंदिर सबसे अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। यहाँ हम देवी सती की योनि की पूजा करते हैं और यहाँ हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेला लगता है। यह मेला 4 दिन का होता है। हर साल अंबुबाची मेला के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है और 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक 4th दिन कपाट खुलती है और पूजा होने के बाद प्रसाद के रूप में अंग वस्त्र दिया जाता है।
यहाँ रोज सुबह मंदिर खुलने से पहले एक बलि चढ़ती है और तांत्रिक पूजा के बाद ही मंदिर सबके लिए खुलती है। यहाँ के मान्यता के अनुसार इन जानवरों का बलिदान का महत्व है कि किसी की मनोकामना पूरी हुई है, पर आप यहाँ आकर इन जानवरों को लेकर रिहा भी कर सकते हैं। कामाख्या मंदिर को अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। यह मंदिर अपने तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। माँ कामाख्या किसी को खाली हाथ जाने नहीं देती। माँ कामाख्या सबका ख्याल रखती है और आपको एक अद्भुत शक्ति का अनुभव मिलेगा, क्योंकि मैंने भी ये शक्ति को अनुभव किया है। इस मंदिर के अंदर एक गुफा जैसी है, वहाँ से एक सीढ़ी नीचे जाती है और वहाँ पर पूरा अंधेरा रहता है। वहाँ पर एक जल कुंड जैसा दिखेगा, वहीं पर योनि है और वहाँ पर यह पानी कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं चलता। इन दुकानों में बहुत सारी डेकोरेटिव सामान भी हैं। तो आप जब भी आसाम आएं तो श्योर गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में जरूर विजिट करें।